हिंद सेवा दल लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान अजमेर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन वैशाली नगर मानसरोवर कॉलोनी स्थित लाइन्स भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाली सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने वाली 21 महिलाओं को महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें महिला सदस्यों द्वारा लोकगीतों राजस्थानी नृत्य पर प्रस्तुतियां दी गई। बेटी बचाओ की प्रांतीय सभापति आभा गांधी ने बताया कि इस मौके पर लोक कलाकार अशोक शर्मा और टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता पर कार्यक्रम पेश किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हिंद सेवा दल लक्ष्य मान्यता सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष महिला दिवस पे, मातृ दिवस पे और ऐसे कई दिवस पे जिसमें हम लोगों को अवार्ड देके सम्मानित करते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, जो वाकई में इस समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना ताकि उन्हें देख के दूसरे लोग भी देश के लिए समाज के लिए कार्य कर सके, यही हमारा मेन उद्देश्य है। आज महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से पिछले 40 सालों से हम लोग ये अवार्ड का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और लगभग 6,500 से ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने हिंदी सेवा दल ने महिलाओं को सम्मान किया और आज के कल्चर प्रोग्राम है और सभी हिंद सेवा दल के परिवार के मिलके आज कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने लोगों को सम्मानित किया, कौन कौन मुख्य अतिथि किया? लगभग 31 महिलाओं का सम्मान किया गया और जिसमें एडिशनल SP किशनगढ़ से वो थे और बाकी कई लोग अतिथि के रूप में आए। आपका नाम और क्या कार्यक्रम था? आज हिंद सेवा दल के द्वारा महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है जिसमें सभी क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र है और जो इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में और बड़े बड़े क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम रोशन करा है और सोशल संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और उनको कोई पहचान दिला मिली हुई है और उनकी पहचान जो हम लोग जाहिर कर सकते हैं अपने हिंद सेवा दल ने अपने माध्यम से उनको सम्मान करके आज समाज में उनकी पहचान अलग से उजागर करी है और आज हमको मौका मिला है, उन महिलाओं को भी मौका मिला है कि आज उनका नाम किस तरीके से रोशन हो रहा है और अजमेर में हम ऐसी महिलाओं को सम्मान करते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद। इसके अलावा आज हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, एक छोटा सा नाट्य के थ्रू हमने बच्चियों को जिस प्रकार बच्चियों के संग अपराध हो रहा है और बच्चियों को भ्रूण हत्या की जाती है उन सबके ऊपर हमने छोटे से नाट्यक्रम रखे हुए और छोटी छोटी राम के भजन पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं।